बहुत बहुत वेलकम करूंगा एक बार फिर आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल रिंकू शर्मा के ऊपर। और लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में नेचुरल सी बात है कि अपनी चल रही हैं जूम कॉल्स, और जूम कॉल के बाद में चल रही है अपने यूट्यूब पर वीडियोस, इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके बाद में हमारा जो है, अब मैंने टिकटॉक का भी थोड़ा यूज़ करके देखा है, टिकटॉक पे भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपने को। और इसके साथ साथ में जो है नया चीज़ जो मैंने यूज़ किया उसका नाम है गूगल एड्स। फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब के ऊपर अपनी गूगल एड्स चलाई और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं, अच्छे साइनअप्स आए हैं और थोड़ा चैनल पर व्यूज़ भी बढ़े हैं, तो चीज़ें भी अच्छी हो रही हैं, स्टेबल हैं सारी चीज़ें। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने गूगल एड्स पर किस किस स्टेट से कितने कितने व्यूज़ लिए हैं। और वो वीडियो जो कि मैंने बिटकॉइन के ऊपर लगाया था, एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी, वर्ल्ड की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जहाँ पर आप होटल बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, बिग बाज़ार में शॉपिंग कर सकते हैं, अमेज़ोन के ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं, पेटीएम के ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबली पेट्रोल का भी आ गया है, लेकिन जब तक मैंने अभी चेक नहीं किया है कि पेट्रोल का कैसे होगा। अगर वो चीज़ें पेट्रोल का भी आ गया तो वही अपने आप में एक बड़ा रिवॉल्यूशन होगा कि हम पेट्रोल भी बिटकॉइन से इंडिया के अंदर भरवा पाएंगे। तो लेके चलूँगा अभी आपको डैशबोर्ड के ऊपर और दिखाऊँगा आपको कि कैसे मैंने यहाँ पर कितने व्यूज़ लिए, कितने इंप्रेशंस मिले, कौन कौन सी स्टेट में कितने व्यूज़ मिले, कौन सी कंट्री से कितने व्यूज़ मिले, कितने मेल्स ने देखा, कितनी फीमेल्स ने देखा, टोटल हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो चलिए चलते हैं डैशबोर्ड पर, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो, अगर आपको लगता है कि वीडियो लाइक करना चाहिए तो लाइक करें, लगता है डिसलाइक करना चाहिए तो डिसलाइक करें, और अगर आपको लगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले टाइम में जो दूसरे वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। एक बार से दोबारा से आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी गूगल ऐड पर लगाया था बिटकॉइन का, तो कहाँ पर कितने लोगों ने इसको देखा और कौन कौन सी स्टेट में और कहाँ कहाँ ये अभी चला है। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो ये तो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें किसने ने देखा, जम्मू कश्मीर में देखा 5 लोगों ने, हिमाचल प्रदेश में देखा 8 लोगों ने, पंजाब में देखा है 24 लोगों ने, हरियाणा में देखा है 17 लोगों ने, उत्तराखंड में देखा 6 लोगों ने। दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली 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 दिल्ली, पहले दिल्ली उठाते हैं, हरियाणा हो गया, अच्छा राजस्थान तो इधर हो गया, दिल्ली दिल्ली में देखा 39 लोगों ने, 39, ठीक है। राजस्थान में देखा 100 लोगों ने। उसके बाद आ जाते हैं गुजरात, गुजरात में देखा 62 पीपल्स ने। उसके बाद गुजरात में 62 हो गया। उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखा 91 ने। वापस ले जाते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देखा 92 ने। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखा 124 लोगों ने। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में देखा 6 लोगों ने। आगे बढ़ जाते हैं बिहार में, बिहार में देखा 86 ने। नेपाल में किसने नहीं देखा है। उसके बाद आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में देखा 41 ने, आसाम में देखा 14 ने, अरुणाचल प्रदेश में किसी ने नहीं देखा है, नागालैंड में किसी ने नहीं देखा, मणिपुर में देखा 5 लोगों ने, मिजोरम में किसी ने नहीं देखा, त्रिपुरा में किसी ने नहीं देखा, वेस्ट बंगाल आ गया वही 41 वाला, छत्तीसगढ़ में देखा 8 लोगों ने, उड़ीसा में देखा 14 लोगों ने, और उसके बाद ये कौन सा है, झारखंड, झारखंड में देखा 6 लोगों ने, मध्य प्रदेश में 92 हो गए थे, छत्तीसगढ़ में 8 हो गए थे, तेलंगाना में देखा 9 लोगों ने, कर्नाटका में देखा 13 पीपल्स ने, आंध्रा में किसी ने नहीं देखा। अभी आंध्रा को हिट करना पड़ेगा अपने को, कि अपनी लैंग्वेज आंध्रा के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है। गोवा में किसी ने नहीं देखा, कर्नाटका में देखा 13 लोगों ने, ठीक है जी। कोच्ची केरला में जो है, मतलब जो केरला में 4 ही लोगों ने देखा है, तमिलनाडु में 6 लोगों ने देखा, श्रीलंका में किसी ने नहीं देखा, अंडमान निकोबार में किसी ने नहीं देखा। अब आ जाते हैं हम यहाँ से कराची, सिंध में देखा 35 पीपल्स ने, और पंजाब में देखा 49 पीपल्स ने, जहाँ पर हमारे लाहौर वगैरह सारा आता है, ठीक है जी। उसके बाद बलूचिस्तान में किसी ने नहीं देखा, काबुल में किसी ने नहीं देखा। तो ये एक और ग्राफ है मेरा जो कि दिखा रहा है कि कौन कौन से स्टेट में, स्टेट वाइज कि मुझे कहाँ पर कितने लोगों ने मेरे वीडियो को व्यू किया है, देखा है, और इसी में से जो है मुझे ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। तो ये रियलिटी है,
गूगल एड्स की, अगर आप भी गूगल एड्स लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। और ये गूगल एड्स जो है मैंने बिटकॉइन के ऊपर लगाया है, और अगर मैं यहाँ बिटकॉइन के ऊपर जाता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो जो इम्प्रेशंस हैं वो 54.3K हैं और जो व्यूज़ हैं वो 884 हैं, ठीक है जी। और 28 पैसा के आसपास की मेरा पर क्लिक पड़ रहा है, क्योंकि मैंने ये पेड लगाया हुआ है, और व्यू का रेट जो है 1.63% का चल रहा है। तो रिजल्ट्स मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छे आ रहे हैं, और इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि मोबाइल पर कितने लोग देख रहे हैं, टैबलेट पर कितने लोग देख रहे हैं, कंप्यूटर पर कितने लोग देख रहे हैं, ये सारे का सारा चल रहा है। एज के हिसाब से देख सकते हैं, अगर हम एज के हिसाब से बात करते हैं तो एज के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेल्स ने 18 से 24 के बीच में 296 पीपल्स ने देखा, जो कि 36.9% का ग्रोथ लेके चलो। 25 से 34 के जो 244 लोगों ने देखा है, 35 से 44 में 101 लोगों ने देखा है, 45 से 54 के बीच में जो 33 पीपल्स ने देखा है, 55 से 64 में भी 16 लोगों ने देखा है, गुड, और 65+ भी 8 लोगों ने देखा है, दैट्स अ ग्रेट। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो 18 से 24 के बीच में जो है मुझे 39 ने मेरे चैनल को देखा अभी वीडियो को, और 43 25 से 34 में 43% ने मेरे इस वीडियो को देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यह आता है कि 90% जो मेरी वीडियो है उसको मेल्स ने ज़्यादा देखा है। और अगर मैं और डेमोग्राफी की बात करूँ तो ये सब चीज़ आ जाती है। शेड्यूल अगर मैं देखूं यहाँ पर तो अच्छा, शेड्यूल तो अभी मैंने लगाया ही नहीं है, क्योंकि तो अभी मैंने आज ही आज को उसको एड ऑन स्टार्ट किया है। वापस जाते हैं तो अगर हम यहाँ पर दोबारा आते हैं तो आज वेडनेसडे को 9, मतलब वेडनेसडे को 9 से 10 के बीच में 18 लोगों ने देखा था, 10 से 11 के बीच में देखा, इस तरह करते 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 ये वाला जो है मेरा वेडनेसडे से डे एंड आवर्स, मतलब 9 से 10 बजे के बीच में हो गया ये, 10 से 11 हो गया, 11 से 12 हो गया, 12 से 13 हो गया, 13 से 14 हो गया, 14 से 15 हो गया, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, ये मेरे पास पड़ा भी लेटेस्ट जो है वो आना है अभी। तो जब वो आएगा तो आपको थर्सडे का भी दिखेगा कि थर्सडे का क्या चल रहा है, तो इस तरह से जो है अगर इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, खुल जा भाई खुल जा, तो 50 वो ये 50.3 हमारे इम्प्रेशन मिले हैं, 884 जो है अभी मुझे व्यूज़ मिले हैं, और 80 पैसे पर व्यूज़ के मेरे यहाँ पर जा रहे हैं। तो सारा डाटा जो अभी मुझे बाद में यहाँ पर मिलेगा अभी, क्योंकि तो टीवी के ओ टीवी स्क्रीन के ऊपर जो ग्रीन वाला टीवी स्क्रीन है, सात सात लोगों ने जो टीवी स्क्रीन के ऊपर भी देखा है, कंप्यूटर मतलब 2.27 पैसा जो मेरा गया, कोस्ट, ये कोस्ट है, इम्प्रेशन है, ये व्यूज़ हैं, कोस्ट जो है मेरी कंप्यूटर के ऊपर 2.27 रुपीज़ की गई है। रेड क्या है मेरा टैबलेट है, 3.29 मेरी उस पर गई है, और मोबाइल के ऊपर मेरी गई है 200 238 रुपीज़। अगर मैं इम्प्रेशन की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन मुझे मिला है मोबाइल के ऊपर 52871, इससे मुझे समझ में आता है कि नेक्स्ट जो वीडियोज़ मुझे बनाने हैं वो ऐसे बनाने हैं कि जो कि मोबाइल फ्रेंडली हों, ठीक है। और रेड है हमारा टैबलेट 466, उस पर भी मिल गया है, 922 जो है मुझे कंप्यूटर के ऊपर मिल रहे हैं, और टीवी स्क्रीन के ऊपर भी 7 इंप्रेशन मिले हैं। अगर हम व्यूज़ की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 865 जो है मुझे मोबाइल फ़ोन के ऊपर मिले हैं, और टैबलेट के ऊपर मुझे 11 लोगों ने देखा है, और 8 लोगों ने मुझे कंप्यूटर के ऊपर देखा है, और यहाँ पर जो है टीवी स्क्रीन पर मुझे किसी ने नहीं देखा। तो डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से भी देख सकते हैं हम डिवाइसेस को, कि टीवी स्क्रीन पर कितने, टैबलेट पर कितने, कंप्यूटर पर कितने, मोबाइल फ़ोन पर कितने, तो ये मैंने 20 पॉइंट की एड लगा रखी है। टोटल इंप्रेशंस आप काउंट कर सकते हैं, व्यूज़ आप काउंट कर सकते हैं, व्यू रेट काउंट कर सकते हैं, एवरेज काउंट सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कॉस्ट टोटल मेरी यहाँ पर एक्सपेंड हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है गूगल एड्स, आप इसको यूज़ करा करें, यहाँ से भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है, और यहाँ से जो है आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं, और आपको इसका जो है आने वाले टाइम में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आपको लगे कि
ये वीडियो, ऐसा वीडियो आपके लिए भी आना चाहिए जहाँ पर आप भी सीख पाएँ कैसे गूगल एड्स लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखें, एक वीडियो आपको भी दे दूंगा कैसे आप गूगल एड्स में लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और मैंने यहाँ पर जो बजट है वो 1000 रुपीज़ का रखा हुआ है। और अगर मैं मेल के ऊपर जाता हूँ तो मेल के ऊपर मुझे गूगल एड्स ने भी 2000 रुपये जो था मुझे क्रेडिट करने के लिए बोला था, कि कब बोला था ये 13 आवर्स पहले, कि भाई आप जो है 2 आवर्स मतलब 2000 रुपये का जो है आप इसको रिडीम कर सकते हो कोड को। तो इसको भी मैं यूज़ करूँगा अभी, लेकिन अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो लेट्स होप अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई लव दिस, लव दिस। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें यार, बेल आइकन को दबा लें, और आने वाले टाइम ऐसे ही चीज़ें और आपके साथ में शेयर करता रहूँगा कि कहाँ से मैं ट्रैफिक लेता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। ठीक है, तो लव यू गाइस।